तो आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं फाइल के ऊपर, क्योंकि पहला हमने किया था फॉर्म के ऊपर, दूसरा किया था पैराग्राफ के अंदर और तीसरा हमने किया था स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो आज हमें आज स्टाइल पे हमें करनी है डिस्कशन, तो स्टाइल पे हम डिस्कशन करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने काम करना है कि जैसे कि हमने प्रीवियस काम देखा था, इसके ऊपर बुलेट्स वगैरह लगाने का ये सीखा था, ठीक है, और लाइन टेस्टमेंट देखी थी। आज हमने देखना है कि जितना हमने प्रीवियस जितना काम किया था डिजाइनिंग का और अलाइनमेंट का, तो ये सारा इसमें यक्सा यहाँ पे कर दिया है। तो आपने इसका जितना पैरा सेलेक्ट करना है, जितना भी करना है, उसके ऊपर ये स्टाइल मुख्तलिफ करेंगे। जो सा स्टाइल आपको पसंद है वही स्टाइल आपने इसके ऊपर अप्लाई करवा लेना, तो वो ऑटोमेटिक साइज भी मर्ज कर रहा है और दूसरे डिजाइनिंग वगैरह भी खुद पर खुद सेटिंग कर रहे हैं। तो जो आपको पसंद है वो अप्लाई कर लेते वही उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आप कहते हैं कि नहीं, इसका हमें अपनी मर्जी का कलर वगैरह मैनेज करना है, तो आप अपनी मर्जी का कलर वगैरह भी मैनेज करवा सकते हो। चेंज स्टाइल करना चाहिए, सबसे पहला ऑप्शन आपको बताया स्टाइल सेट। तो जब वहां से हमें पीछे भी हमने देखे थे पीपरिंग बॉडिंग में ज्यादा स्टाइल देखे थे, तो ये वही साइज यहाँ से उतने पड़े हुए हैं। जो आप देना चाहो वो साइज स्टाइल चेंज हो चुका है। उसके बाद आपने दिया है कलर, तो वहां से हमने यहाँ से कलरिंग देखी थी, तो ये कलरिंग यहाँ पे पड़ी हुई है हमें क्लिक करा थी। तो जौन सी कलरिंग यहाँ पड़ी है वो आपने यहाँ से दिखा रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्म देखे थे, तो ये प्रीवियस एमएस ऑफिस जितने गुजर चुके हैं ना, उनके लिए मतलब स्टाइल हमने बना के रखे हैं, तो ये यहाँ से आप स्टाइल भी उनका यूज कर सकते हो। आपने यहाँ से लाइनों के दरमियान स्पेसिंग देखी थी, तो यहाँ पे पैराग्राफ के दरमियान भी स्पेसिंग देख सकते हो। लीव करना है, टाइट करना है, कितना अपना खुला करना है, वो यहाँ से आप करवा सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एडिटिंग का, ठीक है। उसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका फाइंड का। तो फाइंड का हमने किस तरह इसका मकसद किया है, आप 3-4-5-6 पेजेस भी आप काम कर रहे हो, कोई ऐसा वर्ड है जो आपको चाहिए और आपको मिल नहीं रहा, तो आप उसको किस तरह सर्च कर सकते हो। तो आपने फाइंड के अंदर जाना है, ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ उसके नेविगेशन स्कैन ओपन हो गया, ठीक है। तो आपने वो वर्ड कौन सा वर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बातचीत आपको सर्च करके निकाल आपका वर्ड काशिफ आ गया है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाता है रिप्लेस का। तो आप कहते हो रिप्लेस माइक, आप कहते हो कि हमने बर्तन वगैरह कोई भी रखे हुए थे, तो एक ऐसा बंदा था जो छोड़ गया, उसकी जगह किसी डेफिनेशन पे दूसरा बंदा आ गया है। आप कहते हो यार सारा चीजें तकलीफ वही रहनी है, बस सिर्फ नेम चेंज हो रहा है, तो आप नेम चेंज कर दो। तो नेम चेंज ऑटोमेटिक किस तरह लाइक है, आपने ये काशिफ 10-12-20 बार लिखा होगा, तो आप देखते हो काशिफ ऑटोमेटिक अगर हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा, ये हम रिप्लेस का ऑप्शन यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हर जगह से चेंज फिल्टर हो जाएगा। तो रिप्लेस का ऑप्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो ओल्ड वर्ड लिखना है, जो आपका ओल्ड वर्ड है जिसको आप चेंज करना चाहते हो, किसके साथ चेंज करना चाहते हो, रिप्लेस के ऊपर आपने नाम लिखना है। जैसे कि मोहम्मद काशिफ लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मोहम्मद कामरान हो गया, और उसने नहीं फाइंड आउट किया, तो हमने रिप्लेस कर दिया। मैं लिखता हूँ कामरान, फाइंड आउट कर दिया। अच्छा, तो यहाँ भी हम कह रहे थे रिप्लेस, रिप्लेस का ऑप्शन भी पता चल गया किस तरह हमने इसको चेंज करना है। अब इसकी शॉर्ट की क्या है, जैसे कि हमने प्रीवियस शॉर्ट की सारी देखी है, इनकी शॉर्ट की क्या है, मतलब कि फाइंड करने की शॉर्ट की आपको क्या करनी चाहिए। तो फाइंड करने की शॉर्ट की हम करते हैं जी कंट्रोल प्लस एफ। तो ये फाइंड का ऑप्शन उसने नेविगेशन ओपन कर दिया, आपने जो भी नाम वगैरह लिखना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये मैंने कामरान लिखा, तो उसने फाइंड ऑटोमेटिक कर दिया। अगर आप कहते हैं ये ओके हो जाए बगैर हमने माउस को टच किए, तो आपने ये स्कैप का बटन यूज करना है,